मस्त है ना। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं सिंगिंग बाउल की थेरेपी के बारे में। आप इसे सिंगिंग बाउल कह सकते हो, हिमालयन बाउल भी कह सकते हो और तिब्बतन बाउल भी कह सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। ये बाउल के साथ मुझे वर्क करते हुए 3 या 4 साल हो चुके हैं। ये मैंने तब लिया था जब मैं गोवा गया था अपने फ्रेंड के साथ। वहाँ पे एक तिब्बतन मार्केट थी, तो वहाँ पे बहुत सारे बाउल्स पड़े हुए थे और बहुत सुंदर सुंदर बाउल थे। बट मेरे को भी बड़ा अट्रैक्ट किया, छोटा सा क्यूट सा, तो मैंने ये बाय कर लिया। बट उस वक्त मेरे को इसको प्ले करना नहीं आता था, जो कि मेरे को बड़ा मुश्किल लगता था। मैं सोचता था मैंने एम ये ले लिया है फालतू में, प्ले तो होता नहीं मेरे से। तो काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को फिर ये प्ले करना आया। मैंने देखा जाए ये चाव चाव में तब लिया था कि मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा था लोगों की कि लोग इसको यूज़ करते हैं या फिर होता है उनके पास। तो मैंने ऐसे ही ले लिया था। तो बट कुछ टाइम बाद मेरे को इसको प्ले करना आया और मैंने इसके साथ वर्क स्टार्ट किया। और गाइज ये छोटी चीज़, सीरियसली कह रहा हूँ, मेरे लाइफ चेंजिंग में बहुत अच्छा रोल अदा किया है इसने। स्पिरिचुअल जर्नी को शायद इसके बिना मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता। गाइज इसको मैं हर दिन यूज़ करता हूँ, चाहे आप इसको 5 घंटे यूज़ करें या फिर 1 मिनट यूज़ करें, इसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको सिर्फ ट्राई करने की ज़रूरत है, इसको ज़रूर ट्राई करें। आगे चल के मैं आपको वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। आप शॉक्ड हो जाओगे कि आप कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। गाइज बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सिंगिंग बाउल और तिब्बतन बाउल क्या है, ये सेम है या अलग अलग है, आपको कौन सा लेना चाहिए। वैसे ये देखा जाए ये वाला जो मेरे पास है ये सिंगिंग बाउल है, और जो तिब्बतन बाउल्स होते हैं वो साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं। और उनको आपको ऐसे प्ले नहीं करना है, तिब्बतन बाउल्स को उनको ऐसे प्ले करते हैं, ठीक है। जो इनको आप ऐसे प्ले ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ये इसलिए बने हुए हैं कि आप ऐसे सर्कल मोशन में करके धीरे धीरे इसको प्ले करें। आहा, बहुत अच्छा साउंड है यार, सॉरी। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। गैस इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि ये आपकी माइंड को रिलैक्स करता है, आपकी इमोशन और मेंटल जो भी टेंशन्स हैं उन ब्लॉकेजेस को कम करता है, रिड्यूस करता है। आप बहुत ही पॉजिटिव फील करते हो, आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव जो थॉट्स चलते हैं जब ये आप प्रैक्टिस करते हो साथ, तब कहीं ना कहीं आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं कम होना शुरू हो जाते हैं। गाइज आपके माइंड में अगर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं या फिर आपका माइंड इधर उधर भागता है, तो फिर ये सिंगिंग बाउल आपके लिए ही बना हुआ है। आप इसको ज़रूर बाय करें। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, जब मैंने भी ये बाय किया था, मेरे को यूज़ करना नहीं आता था, बट जब मैंने यूज़ करना सीखा और जब मैंने इसके साथ वर्क किया, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे माइंड में अब ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आ रही है या फिर नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं या फिर मेरा माइंड इधर उधर भाग नहीं रहा है। और जिन लोगों का हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको यूज़ करते हो, कहीं ना कहीं जब इसकी वाइब्रेशंस होती हैं आपके हाथ से होते हुए आपके हार्ट और थ्रोट चक्रा के ऊपर असर करती हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें अगर आप अपने हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पे वर्क कर रहे हैं। इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो ये है कि आप अपनी बॉडी के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को भी क्लेंस कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो। वो कैसे? आप अपने हाथ में इसको रखिए और प्ले करते हुए पूरे घर का राउंड लगाएं, हर एक कमरे में जाएं, इसको प्ले करें। तब आप देख पाएंगे कि आपके घर में एक पॉजिटिविटी का फील आ रहा है, आपका घर अब थोड़ा सा हल्का हुआ है। पहले जैसे कि बहुत सारी टेंशन्स या फिर स्ट्रेस वाला एक माहौल बन रहता था, अब वो थोड़ा कम होना शुरू हुआ है। वो ऐसे नहीं हुआ कि आपने एक दिन किया और रिजल्ट आ गया, आपको कुछ दिन करना है, तब आप इस चीज़ को नोटिस कर पाओ कि हाँ इस चीज़ का फ़र्क है। जिन लोगों के जॉइंट्स में पेन है या फिर शोल्डर में पेन है या फिर स्पाइन में पेन है या फिर इंजरी हुई है, उन लोगों के लिए भी ये सिंगिंग बाउल बहुत बेनिफिशियल है। गाइज मैंने एक और चीज़ नोटिस की जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, वो ये कि मेरी स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव्ड हुई है। मेरी स्लीप इम्प्रूव्ड हुई है कि पहले मैं जितना भी सो लेता था, मेरे को लगता था कि मैं बहुत कम सोया हूँ या फिर मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, नींद का मेरा बहुत ही सारा मेरे को इशू आ रहे थे नींद के रिलेटेड। बट इसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं जल्दी सो भी रहा हूँ, अगर मैं लेट भी सो रहा हूँ जब सुबह उठ रहा हूँ, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है या फिर, तो इसका मेरे को काफ़ी बेनिफिट लगा मेरी स्लीप के रिलेटेड भी।
तो अगर आपको भी स्लीप के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं तो फिर आप इसको डेफिनेटली ट्राई करें। गाइज एक अनाउंसमेंट है, एक गुड न्यूज़ आने वाली है, वो ये है कि मैं बहुत ही जल्द अपनी वेबसाइट को लॉन्च करने वाला हूँ। उसके अंदर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेस मिल पाएंगे। सबसे पहला जो कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूँ वो है चक्रास के ऊपर। बहुत से लोग कन्फ्यूजन हैं चक्रास को रिलेट के कि अपने चक्रास को कैसे हील करें या फिर उनका चक्रा कौन सा ब्लॉक है, कैसे जाने। लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है और YouTube के ऊपर ही बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया चक्रास को, और इसी वजह से आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है। और यही रीजंस हैं जब आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलती तब आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर पाते हो। तो मैंने इस कोर्स के ऊपर मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत टाइम से मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तभी आजकल थोड़ी सी वीडियोस कम बना पा रहा हूँ। तो फिर बहुत ही जल्द मैं आपको वेबसाइट का नाम रिवील करूँगा, तो आप ज़रूर मेरी वेबसाइट को चेक करें, ठीक है। अगर आपको चक्रास के ऊपर वर्क करना है तो आप एक बार ट्राई तो ज़रूर करें। इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसको अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी यूज़ कर सकते हो, वो चाहे आप कोई रिचुअल कर रहे हो या फिर कोई प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे कि आप फुल मून के टाइम इसको यूज़ कर सकते हो, न्यू मून के टाइम भी कर सकते हो, मेडिटेशन के वक्त कर सकते हो, आप किसी भी तरह कोई प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर रिचुअल कर रहे हो, ये हर जगह आपको बहुत सारे बेनिफिट देगा। कैसे अगर आपको डिप्रेशन है या फिर आपको टेंशन रहती है या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तब कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर, आपकी एनजाइटी, आपके स्ट्रेस हर एक चीज़ के ऊपर वर्क करता है। और साफ बताऊं ये बेस्ट चीज़ है। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आगे जाना चाहते हो या फिर नहीं भी जाना चाहते हो, अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क करना चाहते हो, तो भी ये चीज़ बेस्ट है, दी बेस्ट। अब हम बात करते हैं कि इसको प्ले कैसे करना है, ठीक है। आपको अपने हाथ के ऊपर ऐसे रखना है, ठीक है, आपको ऐसे नहीं पकड़ना है, ये चीज़ नहीं करनी है, आपको इसको ऐसे रखना है, ठीक है, और इस टिक को यहाँ रखना है, अंदर नहीं, नीचे नहीं, यहाँ पे, और यहाँ से आपको प्रेशर लगाना है, इस चीज़ के ऊपर नहीं, इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। धीरे धीरे फ्लो बनाते हुए फोर्स लगानी है धीरे धीरे, तब आप फील कर पाओगे कि इसकी साउंड इंक्रीज हो रहा है। आ रही है साउंड? मैं सही बताऊं इस वक्त मेरे को प्ले करते वक्त मैं बहुत सारी पॉजिटिविटी को फील कर रहा हूं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अमेजिंग, पूरी एनर्जी आ रही है बॉडी में इसकी, वाइब्रेशंस, वाओ। तो गाइज आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। गाइज आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के ऊपर बता सकते हो, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और मैंने इस बाउल को अपने न्यू मून और फुल मून के टाइम भी यूज़ किया। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप इन दोनों वीडियोज़ के ऊपर क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो। थैंक यू, लव यू ऑल।